स्टूडेंट आप सभी को स्वागत है ब्रिटिश कॉलेज में। और आज का जो लेक्चर होगा वो हम लोग एक इस टॉपिक में देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं जो एवीएम थर्ड ईयर के लिए रिलेवेंट है। और किसी किसी यूनिवर्सिटी में मैंने पहले ही बता दिया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है बीबीएम फर्स्ट ईयर में भी दिया जाता है। तो नॉर्मली अभी हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स के रिलेटेड बात करेंगे सारे टॉपिक को। और आज का जो टॉपिक होगा वो हम लोग देखेंगे एसेट और लाइब्रेटरीज क्या होता है और कौन कौन सा बिजनेस में एसेट होता है कौन कौन सा लाइब्रेटरीज होता है। तो नॉर्मली हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये मान के चलो बिजनेस है और बिजनेस का मतलब ही होता है जब आप देख नॉर्मली परचेज और सेल एक्टिविटी क्या होता है कैरेट और होता है मान के चलते हैं। ठीक है, अभी सिंपल से भाषा मान के चलते बिजनेस का मतलब जब आपके परचेज और सेल एक्टिविटी क्या होता है कैरेट और होता है तो ये आपका बिजनेस है मान के चलते हैं। अब बिजनेस में सबसे पहले मैं यही बता दें बिजनेस का मतलब होता है जहाँ पे परचेज एंड सेल्स एक्टिविटी इज कैरेट ऑन। फिर मैंने आपको ये बताया था कि बिजनेस में दो कंपोनेंट नॉर्मली होता है। फिर इस दो कंपोनेंट में हम आपको चर्चा करेंगे। एक होता है एसेट, ठीक है, एक क्या होता है एसेट जिसको बोलते हैं हिंदी में संपत्ति, एक होता है एसेट। और दूसरा क्या होता है आपको बताया था पिछली क्लास में लाइब्रेरीज, और दूसरा क्या होता है लाइब्रेरीज, ठीक है। एक एसेट का मीनिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ और लाइब्रेरीज का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एसेट का मतलब ही होता है जिसपे कंट्रोल हो बिजनेस का या किसी एंटरप्राइजेस का और जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता हो। और एक ऐसा आइटम जो बिजनेस परचेज तो करता हो बट उसको सेल पर्पस के लिए नहीं करता हो। एसेट का मतलब आपको बताना है कि ये एक प्रॉपर्टी होता है जिसपे कंट्रोल होता है इंटरप्राइजेस को जो हेल्प करता है रेवेन्यू जनरेट के लिए। और एसेट को हम लोग जो परचेज करते हैं या एक्वायर करते हैं तो उसको हम लोग सेल पर्पस के लिए नहीं परचेज या एक्वायर करते हैं। सेल एक एग्जाम्पल आपको बता दें, मान के चलते हैं मेरा शोरूम है, मेरा शोरूम है वॉच का शोरूम है, किसमें है वॉच का, हाँ समझिएगा ये वॉच का शोरूम है मेरा। अब इस पहले ये वॉच जो है मैं ठेला पे बेच रहा था, कहाँ पे बेच रहा था ठेला पे। जैसे से जैक्सन जब जाइएगा तो कई सारे सेलर आपको देखेगा जो उस वॉच को ठेला पे जाते हैं नीचे पे रख के उसको सेल कर रहा था, ठीक है। अब इस वॉच में अगर मेरा वॉच का शोरूम है तो इस वॉच में हम लोग डील कर रहे हैं तो जिस चीज में हम डील करते हैं वो मेरे लिए गुड्स हो जाता है पहला। तो ये वॉच मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा क्योंकि इसमें हम डील कर रहे हैं, ठीक है। मैंने लिखा भी है कि मेरा वॉच का शोरूम है, पहले इस वॉच को मैं उस ठेला पे बेच रहा था। अब बताइए वो ठेला जो होगा वो गुड्स नहीं होगा क्योंकि वो ठेला जो है मैंने इस पर्पस के लिए नहीं परचेज किया, इस ठेला को मैं बेच दूंगा। वो ठेला मेरे हेल्प कर रहा है रेवेन्यू जनरेट के लिए, वो ठेला जो है वो एसेट है। क्यों एसेट है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। एसेट का मतलब ही बताया था जिसपे कंट्रोल ये प्रॉपर्टी होता है, जिसपे कंट्रोल होता है किसी एंटरप्राइजेस का, तो जो मेरा ठेला है उस पे मेरा कंट्रोल है, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता हो उस ठेला के अनुसार। तो ठेला अगर मेरे पास है तो उससे मैं कई साल रेवेन्यू क्या कर सकता हूँ जनरेट कर सकता हूँ। और वो ठेला जो होगा वो सेल पर्पस के लिए मैं परचेज नहीं किया होगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे एसेट। से मान के चलते हैं अब ये वॉच का जो शोरूम है उसके लिए मैं बिल्डिंग बना लिया, क्या बना लिया बिल्डिंग। और अब ये वॉच मैं इस बिल्डिंग में बेच रहा हूँ, इसमें बेच रहा हूँ ये बिल्डिंग में, तो वॉच जो हो जाएगा जो इस बिल्डिंग में बेच रहा हूँ मैं तो वॉच आपका गुड्स हो जाएगा मेरे लिए क्योंकि मैं इस चीज में डील करता हूँ। ये बिल्डिंग जो हो जाएगा, ये बिल्डिंग जो हो जाएगा मेरे लिए वो क्या हो जाएगा आपका एसेट हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं एसेट नॉर्मली। अब लाइबिलिटीज का मतलब ही मैंने बताया था कि अमाउंट ओस्ट, ठीक है, क्या होता था अमाउंट ओस्ट टू आउटसाइडर, आउटसाइडर अमाउंट ओस्ट टू आउटसाइडर मतलब जो पैसा आप आउटसाइडर को देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं लाइबिलिटीज। तो पहले दो कंपोनेंट से मैंने आपको और ये आइटम हम लोग बिजनेस में परचेज करते हैं
सेल पर्पस के लिए नहीं लगाते हैं। लेवरेज का मतलब होता है अमाउंट गोज टू आउटसाइडर। अब मान के चलते हैं ये लेवरेज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है इंटरनल लेवरेज और एक होता है एक्सटर्नल लेवरेज। एक्सटर्नल अब इंटरनल का मतलब होता है लेवरेज टेबल टेबल टू ऑर्डर, ठीक है। और इसका मतलब होता है लेवरेज टेबल टेबल टू आउटसाइडर। तो लेवरेज का मतलब पहले हम बताए, लेवरेज का मतलब ही होता है अमाउंट ओज टू आउटसाइडर। इसका मतलब देखते हैं अमाउंट ओज टू आउटसाइडर, मतलब जो पैसा बिजनेस आउटसाइडर को प्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं लेवरेज। अब लेवरेज का दो पार्ट होता है, एक होता है इंटरनल लेवरेज और एक होता है एक्सटर्नल लेवरेज। इंटरनल लेवरेज का मतलब होता है जो पैसा आप ऑर्डर को देते हैं, एक्सटर्नल लेवरेज का मतलब होता है जो पैसा आप होलसेलर को देते हैं। अब ये क्या है हम आपको सारा चीज समझा देते हैं, ठीक है। सही मान के चलते हैं दोनों तरफ आपको समझा देते हैं, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान के चलते एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस। अब इस कंपनी का जो एक्चुअल ऑर्डर माना जाता है, जो 75% शेयर होल्डर होने जाता है, वो है अंबानी जी। अब मान के चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस लिमिटेड, इसका जो ऑर्डर है ऑर्डर कौन है अभी अंबानी, ये देख भी लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल। और कैपिटल रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ ऑनर, और फ्यूचर में ये अंबानी भी इससे पैसा लेगा, क्योंकि ये बोलेगा कि मैंने तो बिजनेस में आपको 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था बिजनेस को रन करने के लिए, पैसा मेरा कहाँ है। तो भाई जो पैसा अंबानी को बिजनेस देगा, मतलब जो पैसा रिलायंस लिमिटेड को कौन देगा, रिलायंस लिमिटेड देगा किसको अंबानी को, उसको हम बोलेंगे इंटरनल लेवरेज से, ठीक है। पहले मैंने ये बताया कि एक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, उसका ऑनर है कौन अंबानी, और अंबानी जो किसी कंपनी का जो ऑनर होता है उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर या मेंबर। ये बिजनेस को रन करने के लिए 50 लाख रुपया लगा है रिलायंस लिमिटेड पर, तो रिलायंस लिमिटेड में जो भी बंदा अकाउंटिंग कर रहा होगा वो इस पैसा को बोलेगा कैपिटल, इस पैसा को क्या बोलेगा कैपिटल। और ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटीज हो जाता है, कैपिटल क्या हो जाता है लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। और ये लायबिलिटीज जो है ये इंटरनल लायबिलिटीज हो जाता है, फ्यूचर में बिजनेस को इस अंबानी को भी पैसा रिटर्न करना पड़ेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो वही हम बता रहे थे इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब लायबिलिटीज पेबल टू ऑनर या लायबिलिटीज पेबल टू शेयर होल्डर, मतलब जो पैसा कोई कंपनी अपने ऑनर को रिटर्न करता है उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज। तो ये उसको हम लोग क्लाइंट्स बोलेंगे। ये रफी जो है ये थर्ड बंदा है।
इस अनुबंधा को अंबानी क्या बोले, आपने बिजनेस में 30 लाख रुपया लगा लो, कितना 20 लाख, ठीक है ना, कोई देख लो भाई अच्छा काम बढ़िया लगा लो, क्या मैं इस बिजनेस में 20 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया तो मैं हो गया एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, ठीक है, मैं क्या हो गया एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। आप याद रखिएगा कोई थर्ड पार्टी अगर बिजनेस में पैसा दे रहा है वो ऑनर नहीं है, लोन के तौर पर, वो क्या हो जाएगा एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। अब अगर बिजनेस फ्यूचर में रवि मिश्रा को पेमेंट करेगा 20 लाख, कितना रवि मिश्रा को, तो रवि मिश्रा इस बिजनेस के लिए एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन हो जाएगा। और फ्यूचर में अगर वो कंपनी रिलायंस लिमिटेड अंबानी को पेमेंट करेगा 50 लाख तो अंबानी इसके लिए इंटरनल ऑब्लिगेशन हो जाएगा, ठीक है, कितना याद रखना है। अब आते हैं कि आगे दोनों चीजों आपको समझा दिए, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन क्या होता है और इंटरनल ऑब्लिगेशन क्या होता है। अब हम लोग चलेंगे, ठीक है, अब हम लोग चलेंगे फिर क्रेडिट पीछे लायबिलिटीज पे, और लायबिलिटीज पे अभी हम लोग एक एग्जांपल बताएंगे, ठीक है, लायबिलिटीज में। अब लायबिलिटी हेडिंग पे और लिखिए, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मतलब होता है अमाउंट गोस टू ऑटसाइडर, पहले हम बताए थे आपको इंटरनल, इंटरनल लायबिलिटीज, दूसरा बोल देते हैं आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज का अगर कोई एग्जांपल पूछे तो लिख दीजिए कैपिटल, कैपिटल या इक्विटी, इक्विटी तो जो पैसा ऑनर लगाया है वो क्या हो जाता है कैपिटल, और वो इंटरनल ऑब्लिगेशन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन का हम दो बताए थे, ठीक है, यहाँ पे एक होता है करंट लायबिलिटीज, करंट, करंट लायबिलिटीज, और दूसरा होगा आपका लिख लीजिए नॉन करंट, नॉन करंट, नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है जिसका पेमेंट 12 मंथ के अंदर ही करना हो, ठीक है, मतलब पेबल विद इन 12 मंथ, ठीक है। इसमें करंट लायबिलिटीज का मतलब ही होता है पेबल विद इन 12 मंथ, ठीक है। से करंट लायबिलिटीज का मतलब ही होता है, आप और किसी को बताओ कि करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है जिस लायबिलिटी कोई ऐसा ऑब्लिगेशन या कोई ऐसा लायबिलिटीज जिसका पेमेंट बिजनेस 12 मंथ के अंदर ही कर दे उसको हम क्या बोलेंगे करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में कुछ एग्जांपल आपको याद रखना है, ठीक है, पहला लिखिए आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं बैंक ओडी, क्या बोलते हैं हम इसको बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसी को हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ कैश क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखिए पेटर, पेटर, पेटर का दूसरा नाम है सप्लायर, इसका लिखिए इस बार एग्जांपल बिल्स पेयर, बिल्स पेयर, बिल्स पेयर, शॉर्ट में इसको लिखते हैं बीपी, बीस लेस पेयर। उसके बाद चौथा लिखिए एडवांस इनकम, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम, इट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। सेंस के बाद लिखिए पांचवा लिखिए, उसके बाद लिखिए पांचवा, पांचवा लिखिए, उसके बाद और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और स्टैंडिंग, मेरे साथ लिखे चलिए और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो किसी बैंक से बिजनेस अगर मान के रखिए आठवां लिखो
provision for taxation. Provision for taxation. तो करंट लायबिलिटी का मतलब एक ऐसा ऑब्लिगेशन जिसका पेमेंट टू दिस मंथ के अंदर ही कर देगा बिजनेस. सो आपकी करंट लायबिलिटी पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐसी का बोलते हैं कैश क्रेडिट. दूसरा है क्रेडिटर, क्रेडिटर का एक और नाम है सप्लायर, जो पर्सन गुड्स या सर्विस करता है सप्लाई करता है. तीसरा है बिल्स पेबल, शॉर्ट में लिखते हैं बिल. चौथा है एडवांस प्रीमियम. पांचवा है और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस. छठा है पॉलिसी एडवांस. सातवां है अनक्लेम अनक्लेम्ड डिविडेंड. आठवां है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. ठीक है, अब नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्लिगेशन जिसका पेमेंट आफ्टर 12 मंथ. ठीक है, लिख देना है आफ्टर 12 मंथ. अब इसमें क्या क्या है वो आपको लिख लीजिए. अच्छा पॉइंट है, पहला लिख लीजिए क्या होता है, एसेट क्या होता है, ये सारे एक बार फिर से ब्रेकडाउन करवा दूंगा. नहीं तो लास्ट में